गुड मॉर्निंग फ्रेंड कैसे हो आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स सम नंबर फाइव लेते हैं उसमें भी अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है और गिव गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ब्रीफ का मीनिंग होता है शॉर्ट में आप एक्सप्लेनेशन दो कि कौन से अकाउंट है बराबर रीज़न क्या है सबसे पहले बिल्स रिसबल अकाउंट वो हो गया आपका पर्सनल क्योंकि वो हमारा रिसिएबल है रिसिएबल ऑलवेज इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट नेक्स्ट डैमरेज अकाउंट नॉमिनल में जाएगा क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसिज है बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल विच इज पर्सनल अकाउंट क्योंकि हमें लाइबिलिटी है हमारी वो पे करनी है हमें बिल्स रिसबल भी पर्सनल में जाएगा और बिल्स रिसबल भी पर्सनल में जाएगा दोनों बिजल्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्योंकि नेम ही है और नेचुरल पर्सन है लाइव पर्सन है नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट स्टॉक है तो सीधी बात तो रियल में जाएगा क्योंकि बिजनेस की एसेट्स है फिर हमारी हिमानी अकाउंट हिमानी भी पर्सनल में जाएगा लाइव पर्सनल नेचुरल पर्सन है ठीक है पेटर्न पेटर्न भी इज रियल में जाएगा रियल में और वो हो गई हमारी पेटर्न नॉन करंट यानी इंटेंजिबल इनविजिबल एसेट से नई दिखाई देने वाले बैंक ऑफ बड़ौड़ा विच इज बैंक ऑफ बरोड़ा जाएगी हमारी पर्सनल अकाउंट में और वो हो गई जाएगी लीगल आर्टिफिशियल पर्सन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन यानी यहाँ ये वाले पेज के हो गए नेक्स्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो लाइबिलिटी है बिजनेस की बैंक बैंक से हमने पैसे लिए हुए ठीक है नेक्स्ट आर एंड एल पंडे हाई स्कूल विच इज योर पर्सनल अकाउंट बट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन नेक्स्ट पेटी कैश अकाउंट विच इज़ योर रियल अकाउंट क्योंकि वो बिजनेस की एसेट्स है नेक्स्ट गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट विच इज पर्सनल बट आर्टिफिशियल लीगल आर्टिफिशियल पर्सन नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट विच इज योर नॉमिनल और ये बिजनेस की इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है टाटा कंपनी अकाउंट सीधी बात है पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी नॉमिनल में जाएगा बट विच इज़ एक्सपेंसिज फॉर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग इनकम है बिजनेस के लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसिज है बिजनेस के लिए बोथ जाएंगे नॉमिनल में क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर बोथ आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट शेर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट विच इज योर रियल क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है एसेट्स है बिजनेस की ठीक है तो फिर ये जाएगा रियल में नेक्स्ट लोन बोरोड अकाउंट यानी आपने लोन ली हुई है पर्सनल अकाउंट किसी ना किसी से ली होगी अब सीधी बात है वो लाइबिलिटी होगी बिजनेस की नेक्स्ट डिबेंचर्स ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट विच इज रियल सीधी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया टाटा कंपनी के डिबेंचर में वो एसेट्स हो गई इन्वेस्टमेंट है बिजनेस का एसेट्स हो गई रियल में जाएगा इंटरेस्ट पेड अकाउंट सीधी बात है नॉमिनल में जाएगा बिजनेस का एक्सपेंसिस है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट विच इज ऑल्सो है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल में जाएगा सीधी बात है इनकम होगी तो भी नॉमिनल में जाएगा पेड होगा तो भी नॉमिनल में जाएगा इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पे रिसीव्ड है तो इनकम हो गई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर सीधी बात है चलो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट चलो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एक्सपेंसिज हो गया एक्सपेंसिव हो गया बिजनेस का तो सीधी बात है नॉमिनल में ही जाएगा ठीक है नेक्स्ट बेड डेप्स रिटर्न अकाउंट नॉमिनल में विच इज इनकम फॉर बिजनेस ऑफिस एक्सपेंसिस नॉमिनल में बिजनेस का एक्सपेंसिज है सैलरी आउटस्टैंडिंग ये वाला अच्छा है सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल में जाएगा सैलरी होता तो नॉमिनल में जाता सैलरी आउटस्टैंडिंग है ड्यू बट नॉट पेड यानी पे करना बाकी है सैलरी आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग विच इज पर्सनल अकाउंट सीधी बात है लाइबिलिटी है बिजनेस की नेक्स्ट सेल्स एक्सपेंसिज अकाउंट सेल्स एक्सपेंसिज नॉमिनल क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंसिज है फिर रेंट पेएबल अकाउंट सीधी बात है पर्सनल रेंट पे करना बाकी है लाइबलिटी होगी बिजनेस की सीधी बात है विच इज आउटस्टैंडिंग वो भी हो गया नॉमिनल में ही जाएगा वेजिस आउटस्टैंडिंग पर्सनल में जाएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग होंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग और वेजिस आउटस्टैंडिंग दोनों के दोनों पर्सनल में जाएंगे क्योंकि किसी को ना किसी को पे करना बाकी वेजिस होता तो नॉमिनल में जाता वेजिस आउटस्टैंडिंग है <coughs> तो वो जाएगा पर्सनल <coughs> में क्योंकि लाइबिलिटी है किसी ना किसी को हमें वेजिस पे करना बाकी है यानी अनपेड वेजिज है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट विच इज पर्सनल अकाउंट और वो कौन सी पर्सन हो जाएगी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी सीधी बात है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन रेलवे फ्रेड अकाउंट नॉमिनल में जाएगा क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसिज है थर्टी नंबर का है रॉयल्टी ये है नॉमिनल में जाएगा क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंसिज है नेक्स्ट मशीन रिपेयरिंग विच इज ऑल्सो ए नॉमिनल क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसिज है नेक्स्ट व्हीकल अकाउंट रियल में जाएगा क्योंकि एसेट्स है तो सीधी बात है कि रियल में ही जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल में जाएगा बिजनेस की इनकम है फिर है इनकम टैक्स अकाउंट इनकम टैक्स कहाँ जाएगा पर्सनल में क्योंकि वो बिज, ओनर का पर्सनल एक्सपेंसि से तो कहाँ जाएगा पर्सनल अकाउंट में क्योंकि वो बिजने इनकम टैक्स बिजनेस के ओनर का ही होता है चलो रमा अकाउंट शर्मिष्ठा बैंक अकाउंट सीधी बात है ना फिर वसानी ब्रदर्स अकाउंट तो ये सब के सब फिर जसानी एंड सन्स अकाउंट तो ये दोनों के दोनों भी पर्सनल है ये दोनों के दोनों भी पर्सनल है डिफरेंस क्या है ये लाइव पर्सन यानी नेचुरल पर्सन है ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन पर, पर दोनों चारों के चारों आएंगे कहाँ पे सीधी बात है कि पर्सनल अकाउंट फिर वसानी अकाउंट एंड जसानी अकाउंट वो दोनों के दोनों फिर से पर्सन ही है यानी पर्सनल अकाउंट हो गए पर कौन से नेचुरल यानी लाइव पर्सन चलो कमीशन रिसीव्ड यानी नॉमिनल में जाएगा इनकम है बिजनेस की चलो फोर्टी टू कमीशन अलाउड वो भी सीधी बात है नॉमिनल में जाएगा वो भी सीधी बात है नॉमिनल में जाएगा बिजनेस का एक्सपेंसिज है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों नॉमिनल में जाएंगे पर रिसीव वाला रिसीव वाला इनकम में और अलाउ वाला ये वही वाला वो में चलो स्टेशनरी स्टॉक एसेट्स है स्टेशनरी स्टॉक एसेट्स है सीधी बात है रियल में जाएगा सेल्स सेल्स आपका रियल में जाएगा क्योंकि सीधी बात है गुड्स का अकाउंट है ये सेल्स रिटर्न सीधी बात है फिर है, परचेज रिटर्न सबके सब गुड्स के अकाउंट सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न सबके सब गुड्स के अकाउंट है रियल में जाएंगे परचेज गुड्स का अकाउंट रियल में जाएगा सीधी बात है ना गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर यहाँ पे देख लो ये गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट नॉमिनल जाएगा सीधी बात है लॉस है बिजनेस का लॉस है तो फ्रेंड्स ये फिफ्टी दें तो या फ्रेंड आज के सेशन में इतना ही यानी दोनों के दोनों सम अब आप अपनी नोटबुक में डाल देना और एक्सरसाइज में से पूरी एक्सरसाइज आपको लिख लेनी है जितना भी हम कंप्लीट करते जाते हैं उस टाइप के सम्स ठीक है चलो अ गुड डे